अजीबोगरीब चट्टानी लैंडस्केप और गहरे दर्रे सैक्सन स्विट्जरलैंड की पहचान है। चेक गणराज्य की सीमा से लगे पूर्वी जर्मनी के इस हिस्से में 300 मीटर से भी ऊंचे सैंडस्टोन पहाड़ हैं। हाइकिंग प्रेमियों के लिए जैसे सोने की खान। मुझे हाइकिंग करना पसंद है, मेरे रोजमर्रा के कामों से बिल्कुल अलग है। रेतीले चट्टानों के पहाड़ मेरे लिए खास हैं क्योंकि यह अद्भुत दिखते हैं, जैसे परियों की कहानी वाली कोई जगह हो। भाले जैसी ऊंची ऊंची चट्टानें कहीं और से आई लगती हैं। मेरी नजर में तो ऐसी कोई और जगह नहीं है। 2019 में जर्मनी की 3,442 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान ज़ाइफ्रिड सैक्सनी के पहाड़ों से गुजरे। पूरे जर्मनी को अपने पैरों से नापने में उन्होंने आधे साल का वक्त लगाया। पीठ पर बैकपैक टांगे उन्होंने जर्मनी के उत्तर से दक्षिण की हाइकिंग की। उत्तर सागर में स्थित सिल्ट द्वीप से लेकर पहले बाल्टिक सागर के तट तक पैदल सफर, फिर जर्मनी के अंदरूनी इलाके से होकर सैक्सन स्विट्जरलैंड होते हुए थुरिंजिया के जंगलों और आल्प्स की पहाड़ियों तक की यात्रा की। मैंने पहले से कोई पक्का रूट तय नहीं किया था। मैप पर कुछ इलाके और जगहें चुनी थीं जो मैं देखना चाहता था। फिर सफर के दौरान ही आने वाले एक एक हफ्ते की योजना बनाता गया। मैं सब कुछ बेतकल्लुफी से करना चाहता था। और पूरे रास्ते उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। अब और आगे नहीं जाया जा सकता। हे भगवान, इस बार मैं कहां पहुंचा हूं? अपनी यात्रा के दौरान शूट किए गए फुटेज से ज़ाइफ्रिड ने 105 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। नाम है डॉयचलैंड सुफुस, यानी जर्मनी की पैदल यात्रा। इसमें नजारे ही नहीं उनकी भावनाएं भी हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान एक बार भी मुझे इसे बीच में ही छोड़ने का ख्याल नहीं आया। न कभी ऐसा लगा कि अच्छा होता अगर मैं अपने घर पर ही होता या ऐसा कुछ भी। मुझे हमेशा याद रहा कि मैं एक खास अनुभव ले रहा हूँ और ऐसा कर पाना मेरा सौभाग्य है। मसलन रात में अकेले बाहर खुले में सोना, अस्त होते सूरज को देखना और ऐसे ही कई आम चीजें। यह भी सच है कि मुझे कई बुरे अनुभव भी हुए, जैसे एक बार 5 दिनों तक लगातार बारिश ही नहीं थमी, या फिर जब मेरे आउटडोर उपकरण टूट गए। फिर भी यह सब इतना बुरा नहीं था। जर्मनी की अपनी इस यादगार महायात्रा में ज़ाइफ्रिड ने लगातार 165 दिनों तक सफर किया। उनका गंतव्य था जर्मनी का सबसे दक्षिणी छोर अलगॉय में आल्प्स पहाड़ी की एक चोटी हाल्डेनवांगर एक। Das Gefühl am Ziel. लक्ष्य पर पहुंचकर बस संतोष का एहसास था। हाल्डेनवांगर चोटी की ऊंचाई पर पहुंचकर भी मेरे कदम जमीन पर ही थे। मैं बिल्कुल शांत था और खुशी से चिल्ला नहीं रहा था, वहीं शांति से बैठकर नजारे देख रहा था। शांति के उस पल में मुझे पता था कि बीते 165 दिनों में मैंने जो कुछ भी किया वह सब ठीक था। जर्मनी एनो ज़ाइफ्रिड के लिए यात्रा का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। उन्होंने अगले सफर के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है।